आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीब मनु फकरा। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो? माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा। इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ जदा। मैं हूँ मुशारे फारूकी। नाज़रीन, आज का लोकेशन बताने से पहले, ये लोकेशन दो लोकेशन पे मुश्तमिल है। ये एक रास्ता है जो कि गांव की जानिब जाता है और इसके इतराफ़ में एक कब्रिस्तान मौजूद है। इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो कब्रिस्तान से दोनों साइड कवर्ड हैं। हम अभी भी देखते हैं जो गाड़ियां यहां से मूव करेंगी रात के इस टाइम, जो भी लोग यहां से जाते हैं या घरों की तरफ जाते हैं, तो उनको ये कंप्लेंट्स हमेशा उन्होंने देखी है कि कोई चीज़ कब्रिस्तान की जानिब उनको अट्रैक्ट करती है, या तो कोई जानवर नज़र आता है नाज़रीन जो उनको उनके साथ साथ चलता रहता है। यहाँ पे हमें जो ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली हैं कि वो जानवर हैं वो अचानक से नज़र आते हैं, जैसे बकरी हो गई या कोई कुत्ता हो गया, और अचानक से उनका पीछा करती है वो और गायब हो जाती है। तो आज हम उसी चीज़ को भी देखेंगे, ये कहाँ तक रोड जाता है, इसके इर्द गिर्द में कब्रिस्तान कितना है, सारी चीज़ें वो हम चेक करते हैं। तो बिस्मिल्ला करते हैं, और इस लोग भी यहाँ से ज़ाहिर बात है गांव में आगे गुजरेंगे, तो ये क्योंकि एक रास्ता है तो EMF मैंने ऑन किया हुआ है। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अदनान थोड़ा आगे आ जाओ, ये साइड दिखाते रहो। ये आप देख सकते हैं, ये भी कब्रिस्तान का एरिया नाज़िम, और इस तरफ अदनान दिखाएं और शाहजेब, ये भी कब्रिस्तान है। साथ एक इलाका और भी लगता है इसको। ये क्या हुआ है? देख के इधर लाइट के बारे नज़र नहीं आ रहा सही तरह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये दरख्त देखो कितना वो। अल्लाह अकबर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कब्रिस्तान किया था। मैं चाह रहा हूँ ये पूरा रास्ता देख लें, फिर हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, आवाज़ें आई हैं। हाँ, उधर करें शाहजेब अभी। अदनान आओ जल्दी, हम कोशिश करेंगे नाज़िम कि हमें कोई रास्ते में अगर कोई चीज़ या कोई जानवर नज़र आता है, और देखते हैं कि क्या मामला हैं इधर। हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल आवाज़ें आ रही हैं। एक तो हवा भी बहुत ज़्यादा है तेज़ नाज़रीन, देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा है। ये देख सकते हैं दान, इधर भी दिखाओ, इधर भी, ये पूरा कौन है? बिल्ली की आवाज़ें आ रही है। अल्लाह पर यार, आगे बहुत ज्यादा अंधेरा है ना, बंदा ना बंदे की जात है इधर। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही किधर जाना है। अदनान आओ, आगे आओ जल्दी। सारी मेरे ख्याल से कब्रिस्तान ऊपर तक है ना, वो दिखाओ, काफ़ी ज़्यादा मामला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर आना, काफ़ी कब्रें बनी हुई हैं, काफ़ी लाइट बना हुआ है। वो लाइट करें, वो उधर करें, ये कौन आ रहे हैं भाई? इधर आओ, इनसे बात करते हैं ज़रा, कोई बंदा आ रहा है इसे देख के ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, ये हम यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, तो आप
उधर से शायद हमें देख के आए हैं। जी जी, आपको देख के आए। तो यहाँ पे हमने सुना कोई गैर मरी मखलूकात हैं, कभी आपने यहाँ से गुजरते हुए कुछ देखा हो, महसूस किया हो? जी, मैं आपको देख के इधर आया हूं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ मुझे डर भी लग रहा है। ठीक है, कुछ देखा कभी यहाँ पे? मैंने देखी है जैसे कभी कोई बकरी वगैरह या कोई ऐसी औरत भी देखी है सफेद कपड़ों में। सफेद कपड़ों में औरत? अच्छा, वो जानवर कहते हैं यहाँ से गुजरते हैं तो वो गाड़ी के पीछे साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये कब्रिस्तान यहाँ पूरा इस साइड पे? अच्छा, उस तरफ है ये पूरा रास्ता आगे गाँव को जाता है। चलें, हम देखते हैं कि हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। बाकी शुक्रिया, पूछने आए हमारा। बाकी हमें दुआ में याद रखिएगा। जी, बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, मैं ठीक हो गया। रास्ते में वो देख लेते हैं, इंशाल्लाह हम साथ साथ ही हैं। तो बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो इलाका मकीन थे गाँव के, वो हमें देख के आए हैं। उन्होंने अब मौसम के पहले हालत देखें आप कि ये क्या हुआ वेस्ट टाइम। इस तरफ आओ जरा। अल्लाह अल्लाह, इस तरफ आओ, चलते हैं फिर। वो देख सकते हैं नाज़रीन सामने कुछ इस टाइम ट्रैक्टर भी हैं रात के टाइम, वो सामने गांव भी है। बकरी की आवाज़ आई, बकरी की आवाज़ आई मुझे। ये ट्रक दिखाओ यार, आ गया। ओए होए होए होए, अल्लाह माफ करे यार। ये दो दरख्त सिर्फ दिखाए हैं नान, आप भी जूम करके दिखाओ ना। सिर्फ दरख्त देखें आप, सिर्फ एक ये वाला दरख्त और एक वो। इधर लाइट करें आप, ये देखें ऊपर से दिखाएं कितने पुराने हैं ये। आप सिर्फ ये शाखें दिखाते आओ, कितना पुराना दरख्त है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह फ़ल वलक वत, अल्लाह फ़कर, अल्लाह फ़कर, अल्लाह फ़कर, या सलामो या हफ़ीज़ो, या सलामो या हफ़ीज़ो, या सलामो या हफ़ीज़ो, या सलामो या हफ़ीज़ो। लाइट दें, जल्दी आएँ, जल्दी आएँ। वो इधर किधर, ये आवाज़ आई है। इधर कुछ बैठा हुआ है, कोई था उधर यार, मान जो मेरी बात। अस्तगफुरुल्लाह, दोनों तरफ कैमरे घुमाने हैं। इधर मैंने कोई चीज देखी है, कोई बैठा हुआ था यार इधर, इधर कोई बंदा बैठा हुआ था जैसे, कोई या चीज थी या बंदा था, मुझे लगा यहाँ कोई शख्स बैठा हुआ था जैसे। अल्लाह अकबर यार, हमें नहीं पता हम किधर आ गए हैं यार। क्या हुए प्लीज, तुम्हें कुछ हुए हुए, क्या हुए हुए हुए, क्या हुए प्लीज, तुम्हें कुछ हुए हुए, क्या हुए? एकदम से पीछे से, ये तो निशान पड़े हुए थे। रुको 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 रुको, इधर आओ अदान, इसके दिखाइए, देखिए देख देख, वो ये तो प्रॉपर जैसे तुम्हें हाथ लगा है प्रॉपर यार, ये तेरे उंगलियां लगी है। अल्लाह माफ करे, देख के आप, देख के भाई, देख के देख के नाज़रीन, ये कैमरा मैन ही होते हैं जो हमें कैप्चर कर रहे होते हैं।
बेचारा, प्रॉपर आवाज है ये जैसे किसी ने मारा ऐसे ऐसे ऐसा करके। उधर दिखाओ जल्दी 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 जल्दी, मौसम भी बहुत खराब है और हमें पता नहीं हम जाना कहाँ आगे। ठीक हो? हाँ शाबाश, आगे आगे मेरे साथ रहे, शाबाश शाबाश। अल्लाह अकबर, लाहौल वाला कोता। देख के कांटे बहुत हैं यार। ये दरवाजे आई हैं, लाइट करें। ये देखो यार कपड़े कैसे ही अंदर पूरी अंदर दबकी हुई हैं। ये क्या बना हुआ है जैसे लामा? इधर आओ जल्दी जल्दी, जैसे तो कपड़ थी है ना लग रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अकबर, अल्लाह हॉल वाला कुआ था, ऐसा लग रहा था कब्र थी। ये दिखाओ, ये सामने दिखाओ जल्दी, कब्र के इर्द गिर्द कैसे ये कुआ है। अल्लाह वाला कुआ था, अदान इस तरफ हवा के उधर ही लाइट करें। कौन है? कोई है? तुम्हें भी हुए यार? अल्लाह अकबर, तुम्हें भी हुए यार? अल्लाह अकबर यार, मेरी बात इसको भी अभी हुआ है। वो दिखाओ, उधर उधर दिखाओ। अल्लाह अकबर, ओए 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 ओए, वो सामने क्या है? आग लग गई है सामने, आग लगी हुई है ना। अल्लाह माफ करे यार। यार इधर आओ, ये दिखाओ दिखाओ जल्दी। ये इतनी हवा चल रही है और ये आग कैसे यहाँ पे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें रीडिंग्स, देखें रीडिंग्स, देखें मेरे खुदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये देख सकते हैं, ये प्रूफ देखें हम नाज़रीन। ये मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये बंद हो रहा है EMF। नीचे आग की तरफ मैं करूँगा, ये देखें, दिखाओ नान जल्दी। ये देखें, अनबिलीवेबल, ओ मेरे खुदा। ये प्रूफ देखें हम नाज़रीन, अदनान कुछ चला है पीछे, अदनान कोई अभी मूव करके गया इधर से। नाज़रीन दिस इज अनबिलीवेबल। ये देखें, ये दिखाओ जूम करके, ये दिखाएं, ये जैसे ही कुछ हुआ है मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं मुझे हिचकिचाहट आ गई है। ये देखे यार अदनान, ये दिखाओ EMF को यार, फट रहे हैं वो। इधर आग लगी है हमारे, देखे देखे वहां EMF रीडिंग नहीं थी। ये देखें, इधर आओ, इधर पीछे करो कैमरा, पीछे करो। ये देखें, देखें आए, ये देखें, ये देखें, कोई रीडिंग नहीं है इधर। इधर आओ नान, देखें खामोश है EMF। ठीक है, हम इधर से ही आए हैं ना? जी जी इधर से ही आए हैं। इधर जैसे ही मैं एक्टिव हो रहा हूँ, ये देखें, आओ जरा लाइट दें, फोकस नहीं हो रहा, लाइट दें, उधर सामने रखें लाइट। ये देखिएगा नाज़िन, ये EMF पे आप देखिएगा कि हम जैसे ही उस एरिया में दाखिल होते हैं तो रीडिंग, ये देखें जाम देखिएगा, ये दिस इज अनबिलीवेबल।
यहाँ पे वो आग लगी है, ये ले। इससे ज्यादा मैं प्रूफ नहीं दे सकता, इससे ज्यादा हम आपको प्रूफ नहीं दे सकते कि यहाँ पे गैर बनी मखलूकात मौजूद है। दिस इज, ये देखें, यहाँ पे नहीं है वो मखलूक, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ये देखें, ये ले प्रूफ। वो आग से बनी हुई चीज़ है, आग लगा के उसने दिखाया अपने होने का, इजहार करवाया, और उसका प्रूफ ये EMF दे रहा है। आगे आए, ये फट रहा है, EMF ब्लास्ट हो रहा है ये। अल्लाह अकबर, मैं ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है। ये देख रहे किस तरह ये मैप बंद होता है, ये देख, ये देख, हमारे बीचों बीच नाजिन वो मखलूक है। आओ आओ आगे आ जाओ, ये देख, ये देख, ये देख, वो इसी एरिया में थी नाजिम। वे 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 अल्लाह अकबर, वो इसी एरिया में थी नाजिम। वे 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 अल्लाह अकबर, ये पूरा बांस क्या गिरा, ये पूरा बांस है, उड़ के आया, ये हवा से नहीं आ सकता भाई। ये देखे यार, ये भी कुछ ऐसा अजीब सा, जैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे जैसे कब्रें खोदी हुई हैं, ये ऐसी लग रहा है ना। हम वो कब्रिस्तान में नहीं गए नाजिम, ये इधर से आओ थोड़ा सा, इधर भी है कब्र, इधर आओ। उफ अल्लाह, ये दिखाओ, सामने दिखाएं, लोग ऐसे नहीं बातें करते, कुछ मामला होते हैं तो लोग बात करते हैं। गाँव पे जाने का जो रास्ता है, उसमें जो कब्रिस्तान है, उसके हालात आप देख लें, ये देख लें, EMF ब्लास्ट पे है। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा, इस तरफ आओ। मैंने EMF खुद बंद किया, ये नाज़िम ये देखें, इधर आओ। यहाँ पे जीप से मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कब्रें खोदी हुई हैं। अल्लाह माफ़ करे, या तो कब्रिस्तान का एरिया ऐसा है, लेकिन कोई यहाँ से कुछ चीज़ गई है, अभी गई है ये। आओ देखिए, वो काली चीज़ पड़ी है कुछ, वो मेरे ख्याल से स्लेट है। आओ ज़रा यार, बाय गॉड कोई यहाँ से मूव कर रहा है हमारे साथ साथ, मुझे 100% लग रहा है कोई मूव कर रहा है यार। ये देख, इधर आओ जल्दी। अल्लाह अकबर, बहुत खौफ है नाज़िम। ये देखें, ओए होए होए, हर तरफ रीडिंग है, कैप्चर करें, हो रही है हाँ, प्रूफ है कि जगह हॉन्टेड है, कोई शको वाली बात नहीं है, शक वाली बात नहीं है इधर, ये प्रूफ है, ब्लास्ट पे रीडिंग है इस कब्रिस्तान में। आए ये देखें, साथ ही बंद होती है, इधर आते हैं तो लाइट दें मुझे। आए हुए 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 हुए, अल्लाह माफ़ करना जी, अल्लाह हमें बचाए। ऊपर दिखाएं, कोई बिजली का नामो निशान नहीं है, और रीडिंग के हालात देखें आप। अल्लाह अकबर, कम हो रही है रीडिंग, और ये देखें बंद होगी, इधर आओ। वो चीज़ हमारे साथ साथ मूव करती है, फिर अचानक ख़त्म हो जाती है, चली जाती है।
इधर यहाँ भी सारे मामला हैं। ये ओए लॉ माफी जर, ये तो बंद थी अभी हैं। ओए लॉ माफी जर, ये तो बंद थी अभी हैं। तेरी खैर, ओह माय गुडनेस, ये एक और प्रूफ देख लिया है, ये आपने एक और प्रूफ देख लिया है यहाँ पे नाज़िन। मैं अभी उधर देख रहा हूँ, पानी चल पड़ा एकदम, अभी चला है हमारे सामने यार। डरना नहीं है ठीक है, किसे नहीं डरना, हमें पता है वो चीज़ मौजूद है, वो रास्ते में भी हमें आवाज़ें आई हैं, EMF बता रहा है कि यहाँ पे है, कब्रिस्तान भी है, अभी हम चलते हैं। ये जो प्रूफ मिल गया ना रेटिंग्स का, ये बहुत प्रूफ है। आए लाइट दें मुझे, आजो आजो, अल्लाह अकबर, आजो आजो, ये दिखाएं, नीचे दिखाते हैं। अस्तगफार, अल्लाह अकबर, एकदम जैसे सन्नाटा सा हो रहा है, हवा कम हो गई है, और ये वही दरख्त हैं जहाँ से हम आए हैं ना। इधर सब रास्ते हमें समझ नहीं आ रहा। इस कब्रिस्तान में नाज़िन मैंने देखा है कि कुछ मुझे कब्रें खुद ही भी नज़र आई हैं, जो मुझे फील हुआ है। पूरी तेरी खैर, मुझे साया महसूस हुआ है, काले रंग का यार, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा शेडो था। बहुत ज़्यादा मुझे एकदम आगे आओ, देख के ओह माय गुडनेस, अल्लाह माफ करे यार, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। हमने कहाँ जाना है यार, हम ठीक जा रहे हैं है? आओ, ओए ओए, हम गलत तो नहीं आ गए? गलत आ गए, लग रहा है हैं, लग रहा है गलत आ गए। ये क्या पड़ा हुआ है, देखो ये प्याली के पड़े हुए हैं ये। अच्छा, मेरे ख्याल से वो रखे जाते हैं। अल्लाह अकबर, मैंने वहां पे पहले कुछ चीज देखी जो कब्र के साइड पे बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, वो मैंने उस टाइम कुछ चीज देखी, उसके बाद से मामला शुरू हो गया। ये हम उस रास्ते की तरफ चलते हैं नाज़िन, जहाँ पे लोगों को कंप्लेंट्स में ज़्यादा महसूस है। ये कब्रिस्तान में तो आपने मामला देख लिए हैं। अल्लाह अकबर, देख के यार, ये देखिए, भी कोई कब्र खुदी हुई है जैसे, पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह माफी, अल्लाह अकबर, देख के कब्र में पावन आए, देख के सब, ओहो, देख के इधर से आओ, आओ, अल्लाह अकबर, आ जाओ आ जाओ, आओ मूव जल्दी जल्दी। वेरी टफ इन्वेस्टिगेशन, हम ठीक जा रहे हैं ना नज़िन। हम इससे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ हमें रास्ते में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में मेन चीज़ थी कि हमें वो रास्ते में कुछ चीज़ के बारे में पता लगे। कब्रिस्तान में आए हैं तो वो हमने कोई मखलूक देखी है, मैंने जैसे कुछ चीज़ बैठी थी इधर कब्रिस्तान में। फिर उसके बाद EMF की ब्लास्ट पे रीडिंग, ये प्रूफ है कि वहाँ पे मखलूकात का बसेरा है। इधर नहीं है, जैसे हम मिड में गए हैं कब्रिस्तान के, वहाँ पर रीडिंग्स रुकने का नाम ही नहीं लिया। और 100% बात है जी, मामलात हैं, होंगे, पुराना एरिया है, गांव है, कब्रिस्तान है, तो ये मामलात पाए जाते हैं। थोड़ा और चलते हैं और देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमें अगर कुछ मिल पाए तो ठीक है,
नहीं तो यहाँ पे जो भी मामला थे वो आपने देख लिए हैं। इस जगह को हम क्योंकि उस तरह क्लियर तो हो नहीं सकती ना, करवा सकते ना, क्योंकि ये तो एक ओपन प्लेस है। ये भी आप दरख्त देखें, इस सारी चीज़ों का मकसद आपको ये पर इस सारी चीज़ों का मकसद आपको ये पर ये इतनी बड़ी वो देखे हो काली चादर में कोई भागा उधर वो गया अभी गया यार उधर लाइट करें। ये हमें देख रहे हैं ऐसा भाई, कोई काली चीज आई है। मुझे प्रॉपर इधर आओ, ये दिखाएं पहले ईंट है ये साथ ही फिर वो नजर आया। अदनान और शाहजेब ये ट्रैक्टर को गुजरने दें एक बार। मैं आपको एक बात बताऊं नाज़िन कि वो चीज़ ने हमें यहाँ से कहा है कि चले जाओ गुस्से में। ये ईंट का आना, कब्रिस्तान से बाहर आ चुके हैं, ईंट का नज़र आना एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो उस चीज़ ने कहा कि आप चले जाएं यहाँ से, निकल जाएं। ये हुआ है, ये इतनी बड़ी ईंट कैमरामैन्स को लगते लगते बचे हैं। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि ये एक रास्ता ही है ना, मतलब ये भी गांव को रास्ता जाता है, आपकी लाइट को भी कुछ हो रहा है। ये सारे मामला आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये लाइट को भी साथ साथ मसले आ रहे हैं, तो ये मामला साथ साथ होते हैं। इधर मुझे हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे काली चादर में कोई चीज़ फिर रही है, हर तरफ ऐसा लग रहा है। वो आप देख सकते हैं वो दूर दूर तक आबादी है, ये एरिया सामने गाँव को जाता है, खामोशी आपके सामने है। रात के इस पहर हम कब्रिस्तान में और इस इलाके में फिर रहे हैं, और ये फिर बकरी की आवाज़ आई है मुझे। अदनान आना नाज़रीन, ये वो रास्ता है जो आगे गाँव को जाता है। हम जो इसके तरफ में जहाँ से कंप्लेंट्स हैं वो रास्ता छोड़ रहे हैं तकरीबन, क्योंकि कब्रिस्तान वहाँ तक है। जैसे ही लोग यहाँ से कब्रिस्तान से गुज़र के अपने गाँव की तरफ जाने लगते हैं तो उनको चीज़ यहाँ तक या तो पीछे तक आती है उनके जानवर, या उनको वहाँ तक नज़र आती है। जो एक्चुअल मामला था वो तो हमने आपके सामने इन्वेस्टिगेट किया है, और अल्लाह का शुक्र है हमने बड़े सॉलिड प्रूफ्स आज गेट किए हैं। जितना हम कोशिश कर सकते थे वो चीज़ वहाँ पे एक्टिव थी। अभी हम थोड़ा सा एरिया आपको दिखा रहे हैं कि ये इस टाइम कोई यहाँ पर शख्स नहीं है, रात का टाइम है, 1-2 बज रहे हैं, और इक्का दुक्का कोई गुजर रहा हो वो एक अलग बात है। थोड़ा आगे तक आपको एरिया दिखा दें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। और जो चीज़ें हमने इन्वेस्टिगेट की हैं, आगे आ जाओ, जो चीज़ हमने इन्वेस्टिगेट की हैं वो आप लोगों ने भी देखी हैं। ये सामने देख लें सारे यहाँ साइडों में फसलें हैं, ये दिखाओ नान, एरिया दिखाओ सारा, ठीक है। ये सारा ये रोड्स गांव की तरफ आगे पता नहीं कितनी दूर है, हमारा मेन जो मकसद था वो दिखाएं दूर दूर तक, अभी बादी नहीं है, काफ़ी आगे तक है। जानवर की जहाँ तक बात करें, हमें अभी तक जानवर तो नज़र नहीं आया, लेकिन बकरी की आवाज़ आई है। बकरी की आवाज़ें बाकी चीज़ों की जो एविडेंसेस हैं जो हम गेट कर सकते हैं वो तो नज़र हमने किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कि उसमें मैं ये भी नहीं कह सकता कि डाउट हो, दूर दूर तक आप देखें बिजली नहीं है। ऊपर दिखाएं ज़रा, उस तरफ दिखाएं, ठीक है। और हमारे क्योंकि EMF अगर बिजली का मसला हो तो नीचे करने से रीडिंग ऊपर करने से रीडिंग आनी चाहिए। नीचे करता था EMF बंद हो जाता था, EMF स्टार्ट हो जाता था, ऊपर करते थे EMF बंद हो जाता था। और जैसी वो आग चली है, आग चलने के बाद
मैंने आपको वो प्रॉपर प्रूफ दे दिया कि यार ये आग वो मखलूक है, वो मखलूक ने चलाई है, वहाँ मखलूकें हैं और वही लोगों को तंग करती हैं। हमारे इस टाइम अभी तो कोई उस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आई क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, दो कैमरामैन हमारे साथ हैं, हम तीन लोग हैं। अकेला कोई भी रात को, दोनों कैमरे अगर थोड़ा सा उस तरफ करें, अगर कोई भी बंदा नाज़िन इस टाइम रात के टाइम इस रोड पे मूव करेगा तो उसके ख्याल या वैसे वो खौफ उसको ज़रूर आएगा। मतलब एक आम इंसान भी, आप ख़ुद भी अगर इमेजिन करें कि इस रोड से अगर हम या आप या मैं अकेला रात के टाइम कोई 2-3 बजे कोई ज़रूरी काम से या मगरिब के बाद भी यहाँ से मूव करता है तो वो राइट और लेफ़्ट ज़रूर देखेगा, यार ये कब्रिस्तान है, उसको खौफ आएगा। और उसके साथ साथ ऐसी मखलूक का नज़र आ जाना तो वो तो समझने फिर सारे मामलात हैं। तो ये सारी लोकेशन आज दिखाने का मकसद आपको ये था कि ऐसी लोकेशंस को अवॉइड करना चाहिए, ऐसी लोकेशंस पे मामलात होते हैं, ऐसी लोकेशंस पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मामला नहीं हो सकते। आपको हम हर एपिसोड में डिफरेंट लोकेशंस दिखाते हैं और हर एपिसोड में मैं मैसेज ज़रूर देता हूँ कि जितना हो सके लोकेशंस को अवॉइड करें, घरों की सफाई करें, घर पे मामला आ जाते हैं जादू के जन्नात के, उसमें आप अवॉइड करें। कोई ऐसा अभी आवाज़ आई है, बहुत ज़्यादा जानवर, शायद जैसे गधे की आवाज़ होती है या भैंस की आवाज़ होती है, दोनों में से आई है, बड़ी क्लोज आई है, आबादी आगे है। मौसम भी ख़राब, आपके सामने मामलात हैं। तो नाज़रीन यही मामलात है इस लोकेशन का। हम थोड़ा सा अगर दोबारा मैं ज़िक्र करूँ कि ये एक पाथवे है, एक रोड है जो गांव की जानिब जाती है और इसके दोनों इतराफ़ में कब्रिस्तान था। लोगों को यही कंप्लेंट थी कि इस कब्रिस्तान से गुज़रते हुए उनको मामला नज़र आते हैं, जानवर नज़र आते हैं, आवाज़ें आती हैं। वो हमने आज सारा डिस्कवर किया, यहाँ का जो इलाके मकीन थे उनसे भी बात की, फिर जो अंदर कब्रिस्तान में गए वहाँ बंदा मैंने को बैठे हुए देखा, उसके बाद आग का शोला मुझे नज़र आया जो हवा की जानिब गया। तो बड़ी क्लियर प्रूफ से आप ज़रूर देखिएगा और उस पर हमें फीडबैक भी दीजिएगा। EMF का अचानक से मिड कब्रिस्तान के बाद बज जाना और नॉन स्टॉप बजना एक स्पेसिफिक हाइट पे, तो ये सारे प्रूफ हमें एक रिपोर्ट जो हम लोगों ने अभी गेट की है अपनी, वो यही है कि ये जगह 100% सेफ ज़्यादा है और ये जो इलाका है ये इस मामलात में फॉल करता है। तो नाज़रीन अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो सेफ ज़्यादा हो सकती है या वहाँ कुछ होने का तजस्सुस आपको हमेशा पाया हो तो हमारी व्हाट्सएप की डिटेल आपके सामने। तो अभी जिसने और भी लोग यहाँ से गुजरे हैं, आप देख रहे हैं ये गाँव के लोग हैं, तो फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट हो जो आप चेक करवाना चाह रहे हों, जादू के मामलों हों, उसके लिए भी हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। तो अभी तक के लिए मुशारे फारूकी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।